भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच एडिलेड में पहला टेस्ट मैच खेला जा रहा है, जहां पर भारतीय टीम ने तीसरी पारी में 307 रन बनाए, वहीं ऑस्ट्रेलिया के सामने 323 का लक्ष्य है। लेकिन आपको बता दें कि दूसरी पारी में भारत के कैसे बल्लेबाज का विकेट ऑस्ट्रेलिया को मिला, जो मैच चेंजर साबित हुआ। आपको बता दें कि रोहित शर्मा की विकेट नाथन लियॉन को मिली। रोहित शर्मा जो अरसे बाद टेस्ट क्रिकेट में वापसी कर रहे थे, उनकी वापसी को लेकर कई तरह की बातें की जा रही थी। ऐसे में इम्पोर्टेंट था कि रोहित शर्मा एक बड़ी पारी खेलते, लेकिन रोहित शर्मा की विकेट नाथन लियॉन को मिली। रोहित शर्मा आगे बढ़कर नाथन लियॉन को लॉन्ग ऑफ पर छक्का जड़ना चाहते थे, लेकिन वहां पर बॉल घूमी और एक शानदार कैच रोहित शर्मा का पीटर हैंडसकॉम ने पकड़ा। लेकिन रोहित शर्मा की विकेट देखकर हर कोई यही कह रहा था कि रोहित अपने विकेट फेंक कर आए हैं, यानी कि रोहित पर जो सवालिया निशान लगते रहे हैं टेस्ट क्रिकेट में, कहीं ना कहीं वो निशान और सवाल एक बार फिर से खड़े हो गए हैं। नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स डेस्क से अभिलाष की रिपोर्ट।